भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए, उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। एक समय सेना में भर्ती होना देश के हर नौजवान का सपना होता था। पूरे साल सेना में जाने के लिए वह जी जान लगा देते थे, लेकिन जब से सेना में अग्निवीर योजना लागू की है, तब से युवाओं में सेना में भर्ती होने के प्रति रुझानों में कमी देखी जा रही है। और यही वजह है कि इस बार चुनावों में भी देश की पार्टियों के एजेंडों में अग्निवीर योजना शामिल थी। जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं, वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो है अग्निवीर में, उनका उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है। चुनाव के शुरुआत से लेकर अब तक इन मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन ने तो अग्निवीर योजना में चुनावों का मुद्दा ही बना लिया था। यही वजह है कि राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलियों में इन योजनाओं को लेकर बेहद आरोप लगाते रहते थे, उन्हें खत्म करने की बात करते थे। हालांकि चुनावी मैदान में भाजपा इस योजना की अच्छाइयां भी गिना रही थी। इस बार के लोकसभा चुनावों में इस अग्निवीर का मुद्दा काफी गर्म रहा और इसका असर चुनावों में भी दिखाई दिया। देश में हो रही इस योजना के बारे में चर्चा के बीच सेना भी अब इसे लेकर इंटरनल सर्वे करा रही है, जिससे पता लग सके कि इस योजना में क्या सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही अलग अलग वर्ग से बात कर इस योजना की चुनौतियों और सफलताओं को भी समझने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी समझा जा रहा है कि युवाओं में सेना में शामिल होने को लेकर इतना उत्साह है या नहीं, और क्या सच में विदेश की सेवा के लिए विश्वास परत है। उनके इस जज्बे को भी देखना सेना के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये योजना 4 साल के लिए है, इसलिए सर्वे में ये भी रखा गया है कि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को क्या करना है, वे आगे भी सेना में रहना चाहते हैं या नहीं, या किसी और नौकरी में जाना चाहते हैं। वैसे जब से यह अग्निवीर योजना की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक इसमें विवाद सेना में रहने के समय को लेकर हुआ है। जून 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीरों की भर्ती सेना में की जा रही है। 4 साल की सर्विस के बाद सैनिकों की योग्यता और जरूरतों के हिसाब से 25% तक सेनाओं को ही नियमित किया जाएगा। इसके लिए सेनाओं को आवेदन करना होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि सेना में केवल 4 साल जाने का क्या फायदा, क्या 4 साल बाद उन्हें बाहर जाकर कोई नौकरी मिलेगी। और इसी सवाल को मुद्दा बनाकर इन चुनावों में विपक्ष नेताओं द्वारा पेश किया जा रहा है। अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए, ठीक है हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपके गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो,
जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। अब अग्निवीर योजना ने ये वायदे तोड़ दिए हैं। अग्निवीर योजना क्या कहती है? उन्हीं 70,000 उन्हीं लाखों युवाओं से कहती भैया 80,000 तो नहीं लेंगे, 40,000 लेंगे, और वो जो 15 साल की बात थी, वो जो सर्विस की बात थी, उसे भूल जाओ। 4 साल बाद हम 75% को वापस भेज देंगे, निकाल देंगे, बस 25% हम रखेंगे, 25% को हम रखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, आप लोग जाइए बेरोजगार हो जाइए। अच्छा, जो पहले हम ट्रेनिंग देते थे, जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है, 4 साल बाद घर वापसी। पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे, तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। इन तमाम कमियों और अच्छाइयों को देखते हुए यदि हम अब तक अग्निवीरों में भर्ती किए जाने की बात कहें तो अब तक 40,000 वीरों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। इस समय नेवी में 7,385 अग्निवीर हैं, वहीं वायुसेना की बात करें तो 4,955 अग्निवीर हैं। इसके बावजूद अभी तक इन योजनाओं को लेकर असमंजस का माहौल देखा जा रहा है। इस वजह से सेना इस योजना पर सर्वे करा रही है, जिस वजह से वे इस योजना की चुनौतियों को अच्छे तरीके से समझ सके। अग्निवीर योजना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए देखते रहें VNM TV।